ओके तो आज मैं प्रोविजनल आंसर की जेई एडवांस का आ चुका है, ठीक है, और आपने भी आंसर देखा होगा और मैंने भी देखा है। और आज मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ कि प्रोविजनल आंसर की क्यों गलत है और ये प्रॉब्लम्स कहाँ से लिया गया है और क्या क्या प्रॉब्लम है। देखना, एक एक बात सही से सुनोगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं भी आंसर गलत दिया, एकदम सही आंसर है। सुनो, बताता हूँ। MIT का लेक्चर सी मोनेस्टर प्रॉब्लम ऑफ चिमनी को जेई एडवांस 2023 ने कॉपी किया, साथ में IPHO 2010 में भी प्रॉब्लम आ चुका है जिससे जेई एडवांस 2023 ने कॉपी किया, बट दोनों से ही जेई एडवांस ने गलत कॉपी किया। जैसे नहीं होता है कॉपी पेस्ट करके आपने क्वेश्चन बनाया और मॉडिफाई करने के चक्कर में पूरा का पूरा सत्यानाश कर दिया, पूरा पूरा ही गलत कर दिया। जब आपने यही किया है, ठीक है, और कॉपी तो आपने MIT और IPHO के लेक्चर को किया, IPHO के क्वेश्चन को किया, ठीक है, सोल्यूशन तो आपने उसका डाल दिया, बट जब मॉडिफाई किया तो उसको गलत ही तरीके से कर दिया। अगर यही करना था तो आप मॉडिफाई मत करो ना, सीधे MIT का लेक्चर का क्वेश्चन डाल दो, IPHO का डाल दो, कम से कम वो सही तो है। आपने मॉडिफाई करते पूरा क्वेश्चन को ही इधर से उधर कर डाला, ठीक है। बताता हूँ, सुनना, देखना, ये क्वेश्चन है IPHO 2010 का और ये क्वेश्चन है MIT का। MIT ने एक बहुत ही प्यारी लाइन मेंशन की है, दिस इज, आपको दिख रहा होगा, एकदम पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मैंने यहाँ पे किया हुआ है, कोई एडिटिंग नहीं है इसके अंदर। आप MIT के साइट पे जाके आप इसको देख सकते हो, ठीक है, MIT कोर्स में जाके देख सकते हो इस क्वेश्चन को। चिमनी MIT प्रॉब्लम लिखिएगा, आपको मिल जाना चाहिए, एकदम सेम। उन्होंने लिखा है कि एच जो है कैपिटल एच से बहुत ही ज्यादा है, ये वाला एच है और ये वाला स्मॉल एच है, स्मॉल एच कैपिटल एच से बहुत ज्यादा है। कितनी अच्छी चीज उन्होंने कॉपी किया, आपने इस एच को 9 मीटर लिख दिया और इसको 1 मीटर लिख दिया, तो ये तो नहीं होगा। आप पूरा पूरा वैसे ही कॉपी कर रहे हो, देखो एच भी आपने कॉपी किया है, स्मॉल एच को भी आपने कॉपी किया है MIT से, बट इसको आपने 1 लिख दिया, इसको आपने 9 लिख दिया, ज्यादा दिमाग लगा दिया, जबकि MIT ने कहा है कि एच बहुत ही ज्यादा है कैपिटल एस से। यहां तक तो MIT ने, इसके बाद MIT के जो सोल्यूशन से आपने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। बताता हूँ अभी, ये क्वेश्चन एकदम करेक्ट है, अगर ऐसा क्वेश्चन तुम दे दो ना तो फिर गलत हो ही नहीं सकता, ये एकदम करेक्ट है, मतलब एरर है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, एकदम करेक्ट है और एकदम सही आंसर आएगा। IPHO 2010 ने इस क्वेश्चन को दिया, उन्होंने कहा कि यहां से यहां तक हाइट एच है, बट कैपिटल एच का नाम नहीं लिया, लेकिन ये बहुत बड़ा कर दिया, ये साइज में बहुत बड़ा कर दिया, बहुत बड़ा कर दिया। इन्होंने इसको साइज बहुत बड़ा रिप्रेजेंट करके और इस तरीके से दिखा के, ऐसे दिखा के सारे प्रॉब्लम को दूर कर दिया, और इसमें भी कोई एरर नहीं है, एकदम क्वेश्चन करेक्ट है। मैं आपको बताऊंगा अभी सॉल्व करके कि इस इन दोनों का आंसर क्या आता है, और IT ने इन्हीं दोनों का आंसर को एकदम मैच करा दिया है, ठीक है। ये तो IT का है, IT कर रहा हूँ, ये तो IPHO का और MIT का है। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, MIT की ये लाइन, दूसरा आपने एच को 1 दिया IT ने और स्मॉल एच को 9 दिया, एकदम गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने पूरे पूरे फर्नेस को बहुत बड़ा से दिखा दिया और ऐसे होल्स बना दिए, इधर से एयर्स आ रही हैं, इधर से एयर आ रही है। अब सुनना, जब यहाँ का प्रेशर लिखना होगा, यहाँ का जब प्रेशर लिखना होगा, यहाँ का प्रेशर, तो इसके ठीक सामने हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ का प्रेशर बराबर होगा, क्योंकि रेज ऐसे जा रही है, रेज करो, फ्यूम्स ऐसे जा रही है, स्मोक ऐसे जा रहा है, और उसके परपेंडिकुलर प्रेशर चेंज होने वाला नहीं है, तो यहाँ का प्रेशर आपने सेम कर दिया। तो यहाँ का प्रेशर लिखने के लिए आप सीधे इस एच का हेल्प लेंगे, इस एच का हेल्प लेंगे, कभी मिस्टेक नहीं आएगा, एकदम आंसर सही आएगा। यहाँ देखो, यहाँ का प्रेशर अगर आपको लिखना है तो सीधे आप यहां का लिखेंगे प्रेशर, इस एच का कोई रीड नहीं है, क्योंकि एच स्मॉल स्मॉल एच कैपिटल से बहुत ही ज्यादा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने क्या किया, आपने ये कॉपी किया, अनबिलीवेबल IT, अनबिलीवेबल, ठीक है, आपने ये दिखाया। सुनिएगा, यहां का प्रेशर लिखना है, सारा का सारा प्रॉब्लम यही है, यहां का प्रेशर लिखना है, तो इसके ठीक सामने आप आएंगे तो यहां से प्रेशर को आप आगे बढ़ाएंगे
लिखते हुए कि आप यहां से बढ़ाएंगे। ये सारे क्वेश्चन का प्रॉब्लम की जड़ सिर्फ ये दो लाइन है, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन के अंदर। अगर प्रेशर को आप यहां से लिखना शुरू करिए, एकदम प्रोविजनल आंसर किसे मैच करेगा, लेकिन अगर प्रेशर को आप यहां से लिखना शुरू करिए नहीं मैच करेगा, तो हमारे आंसर से मैच करेगा। अब सुनना, तो MIT ने कितनी अच्छी लाइन यूज की, आपने इसका डायमीटर पता क्या दिया, 1 मीटर। देखो 1 मीटर डायमीटर है, 1 मीटर डायमीटर है। अरे 1 मीटर डायमीटर कितना बड़ा होता है यार, 1 मीटर मुश्किल से इतना बड़ा होगा, 1 मीटर। 1 मीटर ऊपर आपने 0.1 मीटर डायमीटर का, 0.1 डायमीटर का आपने चिमनी लगा दिया है। तो 1 मीटर का डायमीटर ऐसे और 0.1 डायमीटर का चिमनी लगा दिया, तो जरा मुझे बताना, तो 1 मीटर डायमीटर ये और उसकी हाइट 1 मीटर, उसकी हाइट 1 मीटर और यहाँ से आपने लगा दिया ऐसे, तो ये 0.1 मीटर डायमीटर 0.5 मीटर रेडियस, 0.5 मीटर रेडियस कितना होता है, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर क्या है यार, 15 या 45, 3 छोटे छोटे स्केल ले लो ऐसे, हो गए। क्या किया आपने, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सारा मिस्टेक का बस एक ही रीजन है, वो ये कि जो इक्वेशन लिखेगा इस, ये जो जहाँ पे इंटरफेस मिल रहा है ना, ये ज्वाइंट, इसके जस्ट नीचे का पॉइंट, और यहाँ पे तो तुम ऊपर जस्ट लिखो या जस्ट ऊपर लिखो या जस्ट नीचे लिखो या टॉप लिखो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वेलोसिटी में कोई अब्रप्ट चेंज हो ही नहीं रहा है, तो प्रेशर में कोई अब्रप्ट चेंज होने वाला नहीं है। तो कोई तुम्हें कहे कि यहाँ का बरौली थ्योरम किस दो पॉइंट के बीच में है, किस दो पॉइंट बीच में, तो ये जो लाइन है इसके जस्ट नीचे यहाँ का पॉइंट और यहाँ के पॉइंट, चाहे जस्ट ऊपर लिखो चाहे जस्ट सरफेस पे लिखो, बात एक ही है। चलो जस्ट ऊपर लिख लेते हैं, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे आप बरौली थ्योरम लगा दीजिए। सब ने यही किया, नो प्रॉब्लम, MIT वालों ने यही किया, IPHO वालों ने भी यही किया जो हमने किया, बट जब यहां का प्रेशर लिखने की जरूरत पड़ी ना, तो ये प्रेशर बराबर होगा, क्योंकि फ्लूड फ्लो के तुम परपेंडिकुलर चल रहे हो, तो ये प्रेशर बराबर होगा। लेकिन इस प्रेशर को लिखने के लिए आप किस हाइट का हेल्प लेने जा रहे हो, बाहर के साइड से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का जो हेल्प लेने जा रहे हो, वो किसका हेल्प ले रहे हो, क्या यहाँ का प्रेशर लिखने के लिए आप इस हाइट का हेल्प ले रहे हो? अगर आप इस हाइट का हेल्प ले रहे हो तो प्रोविजनल आंसर की विल बी मैच, लेकिन अगर आप इस हाइट का हेल्प ले रहे हो तो प्रोविजनल आंसर की विल नॉट मैच। जरा मुझे बताना, तो ये 0.5 मीटर का डायमीटर का भाई, 0.5 मीटर डायमीटर का है, क्या हमें क्या बताना चाहते हो, ये 0.5 मीटर के डायमीटर का है, कितना कम है, तो अब यहां का प्रेशर भी PA दिखा रहा हूं, लुक आपने यहां का भी प्रेशर PA दिखाया, आप क्या कह रहे हो पता है, इसका ही ये एक होल्डिंग मटेरियल है, ये एक होल्डिंग मटेरियल है, जिस होल्डिंग मटेरियल से आपने इस फर्नेस को ऐसे जकड़ के रखा है और यहां से आप गैस को डाल रहे हो, यहां से आप गैस को डाल रहे हो, स्मोक को डाल रहे हो, और यहां पे आप PA लिखे पड़े हो, आंख से देखो, यू आईज आई आंख से देखो, आपने यहां का प्रेशर PA रख रखा है। अगर आपने यहां का प्रेशर PA रख रखा है, तो क्या यहां का प्रेशर लिखने के लिए हम इस हाइट का हेल्प नहीं लें, आप ही के जैसे हम क्या कॉपी पेस्ट कर दें, जैसे आपने कर दिया MIT किसी से कॉपी पेस्ट कर दिया, एक बार सोचा नहीं कि MIT जाए IPHO ने कैसे किया इस क्वेश्चन को। अरे बताता हूं, आपने यहां पे तो PA दिखा दिया, यहां पे तो गैस को अंदर घुसना दिखा रहा है, क्योंकि ये होल्डिंग मटेरियल से पकड़ लिया है, और यहां पे आप देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, देखना एक बार, यही तो है, ये आपका एरो है, आपका एरो जो कह रहा है कि गैस ऐसे इसके अंदर जा रही है, गैस ऐसे जा रही है, और यहां पे आप ही ने अपने आप बनाया PA। तो यहां का प्रेशर लिखना हो, यहां का प्रेशर लिखना हो तो मैं इस H का हेल्प ना लो, तो मैं कह दूं नहीं 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 हम तो इसी H का हेल्प लेंगे। कैसे डायग्राम तो सही बनाओ, कम से कम अगर यही चाहते थे करना कि हम इसी एच का इस्तेमाल करें, अगर आप यही चाहते हो कि हम इस एच का हेल्प लें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो इस फर्नेस को पूरा का पूरा खूब बड़ा सा बना दो ताकि हमें प्रॉब्लम ही ना हो, और गैस को आप अंदर से चलाओ, लेके जाओ गैस को, धुएं को अंदर से लेके जाओ, और कहो कि बहुत बड़ा सा है, या पूरा फर्नेस ही धरती के अंदर है, और नहीं धरती के अंदर करना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं, इस फर्नेस को बड़ा सा बड़ा कर दो ना,
कर दो, ताकि जब मैं यहाँ का प्रेशर लिखना हो तो जब मैं इसका प्रेशर यहाँ का प्रेशर बराबर करूँ, और जब मैं नीचे जाऊँ तो मैं इस हाइट का हेल्प लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं बताता हूँ अभी सॉल्व करके। अब देखना, अगर ये फर्नेस बहुत बड़ा सा होता, बहुत बड़ा सा, तो ठीक है, यहाँ का प्रेशर लिखने के लिए यहाँ का हेल्प लूँगा, बगल वाले का हेल्प लूँगा, यहाँ का 10 किलोमीटर दूर का तो नहीं लूँगा ना कम से कम। ये 1 मीटर क्या दिए पड़े हो भाई, क्या क्या करना चाहते हो तुम? ठीक है, तो अगर ये बड़ा सा होता तो फिर मैं यहाँ से यहाँ तक हेल्प लेता और आंसर एकदम सही आएगा। और अभी मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं, 1 मिनट का क्वेश्चन है पूरा पूरा, थोड़ा देखना तो MIT वाले को कितना अच्छा प्यार से बनाया है। अब तो कुछ तो उससे सीखो, कुछ तो सीखो। देखो इन्होंने कहा कि H बहुत ज़्यादा कैपिटल S से, तो फिर यहाँ का प्रेशर लिखने के लिए चाहे तुम इस का हेल्प लो, चाहे यहाँ का प्रेशर बराबर ही होगा तो तुम इसका हेल्प लो, एकदम बराबर ही आएगा, क्योंकि ये वाला H इस H से, इस H से नेगलेसिबल है। और देखो उन्होंने H को भी ना यहाँ से दिखाया, आपने तो पूरा मारा यहीं से दिखा दिया, क्या चाहते हो? अगर कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि प्लीज़ पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दो, उसमें ज़्यादा मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और करो मॉडिफाई तो थोड़ा सोच लो, क्योंकि जो बच्चा एग्ज़ाम में बैठ रहा है ना, ठीक है, उसका पूरा करियर आप सिर्फ 6 घंटे में तय कर लेते हो, और इस 2 क्वेश्चन के वजह से उसके 8 नंबर गायब हो जाएंगे, रैंक कितना अफेक्टेड होगा इससे। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन उन्होंने रखा, यहां से भी कुछ सीख लेते यार। क्या इसमें भाई यहां का प्रेशर लिखना है तो कोई भी बंदा यहां का प्रेशर के लिए बगल वाले पॉइंट पे जाएगा, बगल वाले पे जाएगा तो आप सीधे यहां तक आएगा, तो यहां पे आएगा ना, तो फिर स्मॉल एच होल्ड करेगा। ये बड़ा सा दिखा दो ना, ताकि इस तरह की चीजें ना हो। आप इसको क्या दिखा रहे हो, इसको आप ऐसे दिखा रहे हो, ऐसे बना लिया, ये आपका बन गया क्या फर्नेस? अच्छा तो यहाँ का प्रेशर लिखना होगा, आप फर्नेस बनाएंगे तो क्या आप यहाँ नहीं जाएंगे क्या, यहाँ चला गया, अब बच्चा यहाँ चला गया तो फिर आप गलत है। तो क्लियर है कि क्वेश्चन सही कॉपी करो। अब मैं दिखाता हूँ सोल्यूशन, ठीक है। अभी चलो अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे, एकदम मैं बताता हूँ जो आपने सॉल्व किया है उसके हिसाब से। ये तो क्वेश्चन था जिससे मास फ्लो रेट आपसे पूछा जा रहा था, तो चलो आपने क्या किया, इस फर्नेस को खूब बड़ा मान लिया, मान लो आपका काम ही यही है मानना, क्योंकि आपको तो जबरदस्ती आंसर निकलवानी है, तो इसको बहुत बड़ा सा मान लिया। बिल्कुल दिस इज द रॉन्ग मेथड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन, रॉन्ग मेथड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन, जैसा क्वेश्चन में दिया गया है उसके हिसाब से, ठीक है। क्योंकि आप यहां से इंटर करा रहे हो तो मुझे यहां से लेना चाहिए, आप मुझे जबरदस्ती करो यहां से ले, क्यों ले? चलो कोई बात नहीं, मैं आपका आंसर पहले बता दूं कि क्या आपने किया हुआ है और कैसे आपने कॉपी पेस्ट किया, फिर बताता हूं। चलो इस जहां पे जॉइंट है उसके जस्ट नीचे के पॉइंट पे प्रेशर पीए होगा, ये तो आपने लिख रखा है, पीए होगा आपने लिख रखा है। यहाँ की कैंडिडेटी अप्रोक्सीमेटली 0 होगी, क्योंकि अब्रप्ट प्रेशर के चेंज होने की वजह से यहाँ की कैंडिडेटी इंक्रीज कर जा रही है, तो ऊपर कैंडिडेटी ज्यादा आ रही है, नीचे जस्ट जीरो है, तो कैंडिडेट 0 प्लस रो जी एच, इसी को रिफरेंस लाइन मान लिया तो रो जी एच 0 बन गया, प्लस इस वाले पॉइंट का प्रेशर पी प्लस हाफ, और यहां पे जो गैस निकल रही है उसकी वेलोसिटी भी, तो हाफ रो इंटू भी, रो अंदर का है, अंदर का तो रो वन लिख लो, और बाहर का रो ए, क्वेश्चन में जो रो ए है ना ये दे रखा है 1.2, और अंदर टेम्परेचर की वजह से जो अंदर की गैस आती है उसकी डेंसिटी आती है 1, उस फॉर्मूले से आता है, क्योंकि उन्होंने लिखा कि आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो PM = ρRT, तो हमने क्या किया, M को कांस्टेंट, R कांस्टेंट, P कांस्टेंट, तो ρT कांस्टेंट कर दिया, इसको कांस्टेंट करते ही रो वन आ गया। अब देखो मैंने क्या किया, PA यहाँ का प्रेशर प्लस कैंडिडेट जी प्लस प्रेशर जीरो इक्वल्स टू इस वाले पॉइंट पे का प्रेशर P लिखा प्लस हाफ रो भी का स्क्वायर, रो वन भी का स्क्वायर, अंदर का रो वन मान लिया, रो वन इज वन, प्लस रो जी एच, चलो रेफरेंस लाइन है और ये रेफरेंस लाइन है, नो प्रॉब्लम, मैं रो जी एच लिखूंगा, तो रो वन जी एच लिख लिया, क्योंकि अंदर की गैस की डेंसिटी रो वन है और मैं अंदर की गैस पे इक्वेशंस लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इस पी को लिखना है, तो पी को लिखने के लिए आपने क्या किया है? मैं बताता हूँ, पी को लिखने के लिए, इसी पी को लिखने के लिए सारा खेल इसी पी के अंदर है,
इसी पी को लिखने के लिए आपने कहा कि सर यहां का प्रेशर लिखना है ना, तो यहां का प्रेशर पीए मानिए, पीए मानिए। जैसे कि आपने यहां पीए दिखा रहा है, यहां पीए दिखा रखा है और हम यहां से पीए मानना शुरू कर दें, नहीं, गैस के बाहर, गैस के अंदर ना हर पॉइंट पे प्रेशर कांस्टेंट है, गैस के अंदर ना हर पॉइंट पे, इस फर्नेस के अंदर ना हर पॉइंट पे प्रेशर कांस्टेंट आपने बोल रखा है क्या? फर्नेस के बाहर भी आपने बोल रखा है क्या कि प्रेशर हर पॉइंट पे कांस्टेंट है? एकदम नहीं बोला है, ठीक है। अब बाहर तो प्रेशर इस एच की वजह से बदलेगा ही बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा, बट आप क्या कह रहे हो? नहीं बदलेगा। चलो आपकी इस गलत बात को ही हम सही मान लें और आपका आंसर निकाल के दिखा दें कम से कम कि आप किए क्या हो। तो यहां से लेके यहां तक जाने दो, तो इस पीस को ये रख दो, इस पी में क्या लिखूंगा? यहां का प्रेशर पी है, जो कि मानना गलत है। यहां का प्रेशर, यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर पी ए के बराबर नहीं है, उस पर एच का असर पड़ेगा। यहां पे इसके अंदर के हर पॉइंट पे प्रेशर तो मैं सेम मान सकता हूं क्योंकि आपने कह रखा है कि अंदर आइसोबेरिकली गैस को टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है। ओके तो अब मैंने क्या किया, यहां का प्रेशर लिखा और अभी मैं बताता हूं, थोड़ा सा वेट करना, मैं इनका अगला चीज भी बताऊंगा कि और क्या कर सकते थे। अभी तो मैं उनके आंसर को बता रहा हूं। तो यहां का प्रेशर आपने पीए लिखा, एम प्लस एच रोजी कर दो भाई, ऊपर को जा रहा घट रहा है प्रेशर, तो आप लिखेंगे पीए माइनस ये पूरा पूरा हाइट एच। मैं इसको भूल गया फॉरगेट एच क्या होता है मुझे नहीं पता, भूल गया। उसके बाद पीए माइनस एच और आउटसाइड डेंसिटी 1.2 है, लिख लो 1.2। तो पीए माइनस एच रो इंटू जी बन गया इस पॉइंट का प्रेशर। देखो पीए प्लस एच रो जी और बाहर की डेंसिटी 1.2 है, प्लस ये बन गया हाफ रो वन भी का स्क्वायर प्लस रो वन जी एच। अब देखो यहां से आपने पीए से पीए कट कर दिया और सुनना क्या किया आपने, ये जो है ना 1.2 और H और ये G, इसको एक काम करो, इसको इधर भेज दो, इन सबको इधर भेज दो, तो यहाँ से आएगा हाफ रो वन भी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ से एच जी कॉमन आ जाएगा, एच जी कॉमन, ये बनेगा 1.2 इधर और ये रो वन अंदर की गैस है ना, अंदर की गैस है, रो वन अंदर की है वन की, तो इधर भेज दो वन। अब सुनना, ये रो वन अगेन किसके बराबर है? अंदर की गैस है, रोवन वन के बराबर है, तो वन हो जाएगा, तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी वन हो गया, ठीक है, तो ये 0.2 और ये जी, जरा वैल्यू रखो तो 0.2 × 10 जी है 9 और ये 2 इधर लेके आओ, तो ये कितना आ गया, बी की वैल्यू हो गई 2 यहाँ से 3 यहाँ से, 3 × 6 6 मीटर पर सेकेंड, यही आ गई। और यही वो वेलोसिटी है जिसकी वजह से आप बार बार बता रहे हो कि ये आंसर ये होगा। और देखो निकालता हूँ, बी 6 आ गई, तो जो फ्लो रेट होगा, मास फ्लो रेट dm/dt वो होगा रो ए भी, तो अंदर की डेंसिटी रो कितनी है, 1 है, तो रो लिखा आपने, रो एरिया पाई d² / 4 और इसका जो डायमीटर है वो 0.1 है, देखो 0.1 कहाँ गया, 0.1 के लिखा होगा, एक बार देखना 0.1, तो पाई d² / 4 रो, फॉर्मूला क्या होता है, रो ए भी, dm/dt का फॉर्मूला होता है रो ए भी, रो अंदर का एरिया इंटू भी, तो रो ए वेलोसिटी कितनी है 6। अब जरा इसको कैलकुलेट करो, बताता हूँ कितना आएगा। ओके तो इसको सॉल्व करेंगे तो आता है 47.1 ग्राम पर सेकेंड, क्योंकि ये केजी में आएगा तो ग्राम में बदल लेना, तो ये आ जाएगा इतना, ये इसका आंसर है जो कि आपने मार्क करके दिया हुआ है 47.1। इसमें ना आपने ना थोड़ा सा रेंज भी बनाया है, अभी मैं बताता हूँ कि रेंज आपने क्यों दिया है, ठीक है, ये तो इतना आ गया। अब थोड़ा इसका सेकेंड पार्ट पे जाते हैं, इसका जो सेकेंड पार्ट है ये तो MIT की लाइन थी, मैं अभी थोड़ा आपको सेकेंड पार्ट जिन्होंने जेई वालों ने जो सोच के दिया है मैं बताता हूँ। आपने क्या कहा कि सर बताओ ना यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर का डिफरेंस बताओ, कैप लगा दिया,
अरे जब तुम बार बार इस बात को बोल रहे हो कि इस एज को नगण्य करना ये बहुत बड़ी सी है, आप भूल जाइए क्या है, जो कि मैं नहीं भूल सकता क्योंकि डायमीटर आपने बहुत कम देख रखा है, इसको बहुत बड़ा दो तो एक बार मैं भूल भी जाऊं कि यहाँ का प्रेशर के लिए बार बार एक ही लाइन बोल रहा हूँ कि इस लेंथ को लेना है। तो देखो बताता हूँ ये अब कैसे आंसर आया, 18 बताता हूँ भाई। यहाँ का प्रेशर बराबर होगा कैप के जस्ट नीचे प्रेशर अंदर की डेंसिटी की वजह से आएगी, और कैप के जस्ट बाहर प्रेशर बाहर की एयर की डेंसिटी की वजह से आएगी, और इस एच का हेल्प ले लो। तो क्या लिखोगे, एच एच और बाहर की एयर की डेंसिटी 1.2, एच रो इंटू जी माइनस बाहर की वजह से प्रेशर आ गया इतना प्लस पी है, ये मिल गया बाहर की वजह से माइनस अंदर के एयर की वजह से, अंदर के एयर की वजह से यहाँ का प्रेशर पी आपने दिखा रखा, सीधे यहाँ तक पहुँच जाओ तो बनेगा पी ए माइनस एच और अंदर की एयर की डेंसिटी 1 है, एच रो इंटू जी। बस देखो पी ए से पी ए कटेगा, यहाँ से आएगा एच, एच को कॉमन निकाल लो तो ये 10 भी कॉमन आएगा, और ये 1.2 में से 1 घटा दो आ गया 0.2, और एच को आपने क्या मान रखा है 9, 9 रख दो यहाँ पे, तो 9 × 10 × 0.2 ठीक है आ गया 18। इसी को आप क्या बता रहे हो सर, 18 होगा। अभी मैं और भी कुछ बताने वाला हूँ कि इसमें भी रेंज आपने क्यों दिया है, ठीक है क्लियर है कि आपको भरोसा नहीं है कि 18 सही है, सही है, और नहीं इधर आपको भरोसा है कि ये सही में एग्जैक्ट सेंस में सही है, तभी जाकर आपने रेंज दे रखा है, अदरवाइज आप रेंज नहीं दे रहे होते। अभी मैं उस पर भी बात करूंगा। तो ये आपने पहले पार्ट का आंसर दिया है, ठीक है, जो कि तभी सही हो सकता है जब आप इस कैपिटल एच को नेगलेक्ट कर दें या इस फर्नेस को आप बहुत बड़ी साइज दिखा दें जिस तरीके से IPHO और MIT ने दिखाया है, ठीक है ये था। अब सुनो, अगर यही जो इक्वेशन है लिखा है ना, ये इक्वेशन इसमें ये पहला इक्वेशन एकदम ये लिखा जाता है, लेकिन इस प्रेशर को पता करने के लिए अगर किसी ने यहां से यूज कर लिया कि यहां का देखो इन्होंने कहा पीए प्रेशर, यहां का प्रेशर पीए प्लस यहां से लेके यहां तक घटा दे, तो उस एच में अगर उन्होंने एच प्लस कैपिटल एच का हेल्प ले लिया, मतलब इसके जगह पे किसी ने इक्वेशन लिख दिया पी ए माइनस एच प्लस कैपिटल एच इंटू 1.2 जी, किसी ने इसका हेल्प ले लिया, तो जो आंसर सॉल्व होके आएगा उसमें ये जो वेलोसिटी है वो 6 ना आके वो सीधे आती है √60, और इसके बाद जो DM/DT आता है, ठीक है ये आता है 60.81, ये आता है, ठीक है। अब देखो, अब और यही चीज जब तुम इसमें आते हो प्रेशर डिफरेंस, इसको अगर प्रेशर डिफरेंस यहां वाला अंदर का प्रेशर आप यहां से ले लो क्योंकि उन्होंने दे रखा है कि पीए हर जगह बराबर है, और अगर बाहर का प्रेशर आपने यहां से ले लिया तो इस क्वेश्चन का आंसर 30 आ जाएगा, जो कि कायदे से होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो एक्चुअल आंसर जो मुझे क्लियर समझ में आता है वो एक तो सेकेंड का आंसर 30 होना चाहिए जैसा मैं दे रखा हूँ या हम लोगों ने दे रखा है, और जो दूसरा पहला क्वेश्चन था जिसका आंसर 60.81 था वो भी एकदम सही है, ठीक है। बट वो इसलिए क्योंकि आपने ऐसा दिखा रखा है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें MIT वाला ही सोल्यूशन का आंसर देना है, ठीक है, तो आपको इसमें ये मेंशन करना चाहिए था कि कैपिटल एच शुड बी लेस लेस देन स्मॉल एच, ठीक है। तो या इस फर्नेस को जिस तरीके से MIT ने दे रखा है, ठीक है, देखो ये MIT के क्वेश्चन है, ये एजमिंग एजम्सन विस्कस इतना, द चिमनी वेयर कॉब्ड अप इतना, ठीक है। दूसरा ये IPHO वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ द चिमनी, ठीक है। तो जिस तरीके से IPHO ने क्लियर करके क्वेश्चन रखा है उसी तरीके से आप भी क्वेश्चन को क्लियर करो ताकि बच्चों का कन्फ्यूजन्स ना हो, ये तो ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इस पर चैलेंज करना पड़ा तो हम चैलेंज कैसे करते। पहला चैलेंज करने का तरीका ये है कि क्लियरली, हेलो, तो चैलेंज कैसे कर सकते हैं, सिंस एच इज 9 कैपिटल एच इज 1 मीटर, यू कैन नॉट नेगलेक्ट कैपिटल एच, सो प्रोविजनल आंसर के इज रॉन्ग, सिंस डायमीटर ऑफ द फर्नेस इज ओनली 1 मीटर, देन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कैलकुलेशन एट द टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम द आउटसाइड एटमोसफियर, वी विल टेक द हाइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फर्नेस, पी नॉट इज पी ए माइनस स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच रो ए जी,
यू कांट नेगलेक्ट कैपिटल एच, मतलब आप जब यहाँ का प्रेशर लिखोगे ना, यहाँ का प्रेशर, तो आप इस हाइट का हेल्प लोगे, न कि आप इस हाइट का हेल्प लोगे, इस हाइट का, ये हाइट एकदम गलत है। तो जेई वालों ध्यान रखना, ये बिल्कुल गलत है, एंड दिस वन इज करेक्ट। बस उसके बाद आप एक क्वेश्चन तो आपने ये लिख लिया, अब सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन के लिए यहाँ की गैस और यहाँ की गैस आइसोबैरिक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, तो आप क्या लिखेंगे कि पी कांस्टेंट है, और मैं सोल्यूशन लिख दे रहा हूँ, पी कांस्टेंट है, तो रो वन टी वन बराबर रो टू टी टू, तो इससे रो वन 1.2 था क्वेश्चन में, टी वन था 300 और रो टू है निकालना है, और टी टू है 360, तो रो टू आएगा 1। इसके बाद क्या करेंगे, अब बर्नौली थ्योरम, इस बॉटम के ये जो टॉप है फर्नेस के, इसके जस्ट नीचे इस पॉइंट और इस पॉइंट पर लगा देंगे बर्नौली थ्योरम। तो यहाँ पे प्रेशर पी ए है, सेकेंड इक्वेशन, प्रेशर पी ए प्लस कैंडिडेट जीरो प्लस रोजियस जीरो, क्योंकि रेफरेंस लाइन यही है, यही है। फिर यहाँ का प्रेशर दैट इज पी पी नॉट, वही पी नॉट है, यहाँ का प्रेशर पी नॉट है, और ये प्रेशर बराबर होगा, क्योंकि समझ ही गए हो कि यहाँ पे एब्रप्ट क्रॉस सेक्शन एरिया में चेंजेस नहीं आने वाली है, तो ये जो प्रेशर होगा ये हर जगह सेम आएगा, तो आएगा दिस वन पी नॉट प्लस हाफ रो बी स्क्वायर, हाफ रो अंदर का एयर की डेंसिटी जो कि रो टू है, तो हाफ रो टू इंटू बी स्क्वायर प्लस रो टू जी इंटू ये वाला हाइट एच। तो मैं जस्ट नीचे और जस्ट ऊपर लगाया, तो ये बन गया इक्वेशंस, ठीक है। इस पी नॉट की वैल्यू आप उठा के यहाँ पे प्लेस कर देंगे, तो हो जाएगा पी ए इक्वल्स टू पी नॉट इज पी ए माइनस स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच रो ऑफ ए जो कि बाहर का है इंटू जी प्लस हाफ रो टू इंटू बी स्क्वायर प्लस रो टू जी एच। बस ये आपके सामने क्या मिल गया, पी ए से पी ए कैंसिल आउट हो गया, सारा वैल्यू प्लेस कर दो, इससे भी की वैल्यू हो जाएगी रूट 60, एंड देन डीएम बाई डी टी बिकम्स जो हम लोग बोल रहे थे रो ए भी, दैट इज 60.81, ये आंसर हो जाएगा। और प्रेशर डिफरेंस जो डेल्टा पी आएगा क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 70, अगर उसमें एच को आप कंसीडर कर लेंगे, तो यहाँ का जो प्रेशर लिखेंगे, यहाँ का प्रेशर यहाँ के सहायता से लिखेंगे, और यहाँ का प्रेशर आप यहाँ के सहायता से लिखेंगे, तो ये बनेगा पी ए इज इक्वल्स टू पी ए प्लस स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच आउटसाइड रो ए इंटू जी माइनस इनसाइड पी ए प्लस अंदर, चूंकि हर जगह प्रेशर सेम है, तो आप इस स्मॉल एच को लिखना चाहेंगे, दैट इज स्मॉल एच रो अंदर का जो कि हमने लिखा है रो टू इंटू जी, सबट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 30, एंड दिस इज डेल्टा बी। ये आंसर सर, तो यू कैन चैलेंज दिस क्वेश्चन लाइक वे। सेकेंड, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो मेजर प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर, जेई क्या कर दिया होता तो क्वेश्चन सही हो गया होता, अगर इस जेई ने एमआईटी और आईपीएचओ को सीधा कॉपी कर लिया होता, ठीक है, तो एकदम क्वेश्चन सही हो जाता। तो उन्हें क्या करना चाहिए था कि या तो इस फर्नेस को इतना छोटा ना दिखा के बहुत बड़ा दिखा देते, तभी भी कोई इशू नहीं आती, या जिस तरीके से MIT ने क्वेश्चन मेंशन किया है कि H कैपिटल H से बहुत ज़्यादा है, ये कर दिए होते तो भी इशू नहीं आती, ठीक है। तो नाउ यू कैन चैलेंज दिस क्वेश्चन बाय दिस वे। थैंक यू।